जय श्री राधा कृष्ण। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। दीपावली से पहले आने वाली रमा एकादशी का व्रत करने से जीवन से आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होती। ये राजयोग जैसा सुख पाता है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देती है। ये चातुर्य मास की आखिरी एकादशी होती है। सिर्फ रमा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब समझो कितनी महान फलकारी एकादशी है जिसमें व्रत नहीं किया और सिर्फ कथा सुनी, उसी से हमें यज्ञ करने जितना फल मिल रहा है। रमा एकादशी का फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पे गंगा स्नान करने और दान करने से जो फल मिलता है उसके बराबर होता है। रमा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही लाभकारी मानी गई है। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कभी भी कुयोनी नहीं मिलती। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, इससे जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा। रमा एकादशी का व्रत इतना अधिक पुण्य देने वाला है कि इससे ब्रह्म हत्या जैसा जो महादोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। जो लोग रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके जीवन के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत की कथा का वर्णन श्रीपद पुराण में मिलता है। जो पद पुराण में बताई गई है वही कथा मैं अब आपको सुनाती हूँ। एकादशी की कथा सुनने से पहले हाथ में फूल तिल और दक्षिणा जरूर रख लेना। अब भगवान विष्णु के नाम का जयकारा करते हुए हम एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक मास की जय। रमा एकादशी की जय। एक समय भाव विहल होते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके ये सब विधान पूर्वक कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इसकी कथा बहुत पावन और फलकारी है, तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वो बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु जी का भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक सुंदर सुशील कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करा दिया। वो राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम और निष्ठा से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। वो कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्य देने वाली रमा एकादशी का व्रत आया। अब उस राज्य में तो उस दिन सभी के व्रत रखने का विधान था। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े ही कमजोर हृदय के हैं, वो एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे, जबकि पिता के आदेश के अनुसार यहाँ के सभी लोग इस व्रत का बड़ी कठिनता के साथ पालन करते हैं। मेरे पति राज आज्ञा मानेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बहुत चिंता हो गई और वो अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास आया और बोला, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी भी तरह भूख सहन नहीं कर सकूंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते, फिर भला मनुष्य कैसे ही भोजन कर सकते हैं। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा।
पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। भाग्य में लिखे को भला कौन ही डाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, पर शोभन के लिए वो रात्रि जागरण अत्यंत दुखदायी हुआ। वो रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु हो गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वो सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वो अपने पिता के घर पर रहकर एकादशी के व्रत उपवास करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा भूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य करती हुई उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरे इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में अचानक से आ पहुंचा। उसको ने देखा। वो ब्राह्मण शोभन को राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और अपने श्वसुर तथा स्त्री चंद्रभागा का कुशलक्षेम पूछने लगे। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु ये अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस तरह से हो सकता है? आप मुझे सब कुछ समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो वो उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वो व्रत विवश होकर तथा सदा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। पर अगर तुम इसका वृतांत राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा के पास जाके सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वो दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या आपने कोई सपना कहा है? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वो नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वो स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। ऋषि वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी चंद्रभागा पत्नी को देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने आसन पर उसे उसने अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्यों को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा के व्रत पुण्य के प्रभाव से वो नगर स्थिर हो गया
इसके बाद चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इतनी कथा कहने के बाद श्री कृष्ण कुछ रुके और फिर पुनः बोले, हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्तम सुनते हैं वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी महत्तम समाप्तम। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आपके श्री चरणों में इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबके मंगल की कामना करती हूँ। अपनी कृपा, आशीर्वाद, प्रेम और भक्ति सबके ऊपर इसी तरह बनाए रखना। इस सुंदर अद्भुत एकादशी महत्तम की कथा की अगर मैं सार की बात करूं तो देखो, भगवान श्रीहरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो भी उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हर किसी को चाहिए कि वो भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। मतलब देखो, अश्रद्धा का फल ये था कि उसने मजबूरी में व्रत किया था तब भी उसे एक इतना सुंदर राज्य मिल गया, है ना। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रत के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्रीहरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। ओम नमो नारायणाय नमः, श्री कृष्ण शरणम ममः। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस एकादशी व्रत की महान पवित्र फलकारी कथा को सबके साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म का प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।